गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि डिफरेंट एनिमल हैज द डिफरेंट टाइप ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट विद द नोज, नेजल कैविटी, देन फैरेंक्स, लैरेंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई एंड द लंग्स। सो फर्स्ट नोज। सो वी ऑल नो दैट इन ह्यूमन the nose is jutting outside the face, okay, and the nose possesses the nasal cavity, and this nasal cavity is divided into two septum with the help of one cartilage. It is known as the septal cartilage. So this is the nose, it is nose, and the nose always in human there are two external opening, so it is known as the Dirhynous condition. So in nose has two external opening, so it is known as Dirhynous condition. Okay, now the nose, actually nose open into the nasal cavity. This portion is called the nasal cavity, and the nasal cavity is divided into two chambers with the help of the one cartilage, and it is known as the septal cartilage. So nasal nose open into nasal cavity. This nasal cavity divides into two chamber. Nasal cavity divide into two chamber, okay, with the help of septal cartilage. This nasal cavity is made up of the three bone. Nasal cavity is made up of the three bone. Okay, the nasal cavity is made up of three bone. One is the ethmoid, second one is the maxilla, and third one is the nasal bone. Okay, ethmoid bone, that is present in the center of the nasal cavity inside. Not this is not a bone, this is a cartilage, and it is septal cartilage. Inside it possesses the ethmoid bone, maxilla bone, maxilla bone is here, and the nasal bone, it is present at dorsal part of the nose. Yahan par ye jo dorsal part hoga nose ka, wahan par hoga, that is nasal bone. Okay, so with the help of this three bone, the whole nasal cavity is become the spiral root. Ye teenon bone se pura jo nasal cavity hoga uska jo pathway hoga wo kaisa ho jayega, spiral. And the nasal cavity, when it becomes spiral, जब वो spiral हो जाएगा तो क्या होगा? अब सोचो कि ये nasal cavity है, this portion is called the nasal cavity. This three bone shows the outward growth. जैसे यहां से एक बाहर निकला होगा, यहां एक अंदर है, वो यहां से होगा, ये है वो bone, ऐसे होगा तो क्या होगा? जब air अंदर जाता है तो it is move in a spiral way. एयर कैसे मूव होता है? सो एयर इज मूव स्पाइरली, और ऐसे वो अंदर जाता है और फिर वहां से वो कहां जाएगा? लंग्स में. तो उसको उसका जो एरिया होगा वो बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा. उसकी वजह से क्या होगा? जब हम बाहर से कोई एयर लेते हैं, ओके, और बाहर अगर विंटर है तो टेम्परेचर कम होगा, तो अंदर जाते जाते वो लंग्स तक पहुंचेंगी, तब तक उसका टेम्परेचर कैसा हो गया होगा? विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी टेम्परेचर. इसीलिए ये जो पूरा नेजल पैसेज वे है, और ड्यू टू दिस थ्री बोन,
ओके दैट इज द हियर इट इज द मैक्सिला बोन, यहां से मैक्सिला बोन होगा तो मैक्सिला बोन देन इथमोइड बोन एंड द नाजल बोन की वजह से ये पूरा वे कैसा हो गया होगा स्पाइरल एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया इंक्रीज द डिस्टेंस तो उसकी वजह से क्या होगा जो एयर अंदर जाता है वो लंग्स तक पहुंचते हुए उसका जो टेम्परेचर होगा वो बॉडी के टेम्परेचर जैसा हो गया होगा। फिर आगे देखिए सो नाउ द नाजल कैविटी द नाजल कैविटी इनर लाइनिंग ऑफ द नाजल कैविटी इज मेड अप ऑफ द इनर इनर लाइनिंग ऑफ नेजल कैविटी इज मेड अप ऑफ स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू इट इज कॉल्ड द स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू सो दे पजेस द सिलिया सो दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर दे पजेस द ग्लैंडुलर टिश्यू तो दे सिक्रेट द म्यूकस एंड दैट म्यूकस इज ऑल्सो रिमूव द डस्ट फ्रॉम द नेजल कैविटी ओके नाउ उसके अंदर व्हेन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द नेजल कैविटी ओके अगर मैं अंदर की चीज बनाऊ तो यहां क्या है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स नाउ हियर इट पजेस द थ्री पार्ट हियर इट इज द नोज ओके हियर इट इज द नोज इट इज द माउथ सो इनर स्ट्रक्चर और इंटरनल नोज और इंटरनल nostrils possess the three layer the uppermost part is known as the olfactory region uppermost part is known as the olfactory region the middle one is known as the middle part is known as the respiratory region and lowermost is known as the vestibular part So, this first uppermost structure, olfactory region, this olfactory region possesses the olfactory epithelium. It has the olfactory epithelium. And this olfactory epithelium is responsible for the smell sensation. Okay, so this is all about the nose and the nasal cavity. Nose actually it is jutting outside the face. Nose always in human there are two external nostrils. So this condition is known as the Dirhynous condition. The nose open into the nasal cavity and always this nasal cavity is divided into two septum with the help of the septal cartilage. Okay, one more cartilage. Ye jo hai soft cartilage. यहां जो होता है दैट इज सॉफ्ट कार्टिलेज इट इज ऑल्सो नोन एज दी एलआर कार्टिलेज ओके नाउ द होल नेजल कैविटी इज सराउंडेड बाय द थ्री बोन इथमोइड मैक्सिला एंड द नेजल बोन एंड दिस बोन इज आउटवर्ड ग्रो इन द नेजल कैविटी एंड इट फॉर्म द होल नेजल कैविटी इन अ स्पाइरल वे सो इंक्रीज द लेंथ इंक्रीज द सर्फेस एरिया इंक्रीज द डिस्टेंस सो ड्यू टू दिस व्हेन द एयर कम इन टू द लंग्स ओके अगर बाहर टेम्परेचर कम है और ठंडी एयर है तो वो लंग्स में जाते हुए जब तक वो लंग्स में पहुंचेगी तब तक वो बॉडी टेम्परेचर के साथ मैच होगी होगी फिर इनर लाइनिंग ऑफ जो नाजल कैविटी है इट इज मेड अप ऑफ द स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू उसमें सिलिया भी है तो वो क्या करते हैं प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पार्टिकुलेट मैटर ग्लैंडुलर टिश्यू है तो दे सीक्रेट द म्यूकस एंड रिमूव द एक्सेस waste from the nasal cavity inner part has the olfactory region respiratory region and vestibular part this olfactory part has the olfactory epithelium and it is responsible for the smell sensation okay and this two region is increase the surface area for the conduction of the
gases like O2 and the CO2. Clear? So this is all about the nasal cavity. And next part, it is the pharynx and the larynx. Nose, this is called the buccal, means lips. Now this nasal cavity, this nose, the nasal cavity is open into the pharynx. So anatomically, the pharynx divided into three part. This whole part is known as the pharynx. Anatomically, it is divided into three part. First one is the nasopharynx. Second, which is open from the buccal cavity, known as the oropharynx. And the third one is the, which is open into the larynx, known as the laryngopharynx. Okay, actually pharynx is the common passageway for the food as well as the air. So pharynx is the common passageway for food and air. Okay, this nasopharynx possesses the opening of eustachian tube. The eustachian tube, it is the tube present between the middle ear and the pharynx. Or wo kya karte hain? It will maintain the pressure between the middle ear and the pharynx. Okay, to wo kahan open hota hai? Nasopharynx mein. Now this nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. Ab aage jo laryngopharynx hai, it will open into the larynx. Aur larynx ke baad trachea and the esophagus. So now here, this is called the larynx. Here there will be the two opening. One is the glottis and second opening is gullet. यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ कि दो part हैं. आगे की तरफ जो part होगा, that is known as the trachea, means at the end, ventral side. It is trachea, and for the dorsal side it is esophagus. The opening of the trachea is known as the glottis. It is called the glottis. The opening of the trachea is known as the glottis, and the opening of the esophagus is known as the gullet. And one more thing, here it possesses one structure like this, diaphragm like structure, and it is known as the epiglottis. And we all know that the epiglottis, it's a diaphragm like structure which is responsible for the prevent the entry of the food into the windpipe when we swallow the food. So when we swallow the food, this glottis get close the trachea and it prevent the entry of the food into the trachea. Clear? Now uske baad larynx. So larynx, actually it is made up of the cartilage, and the larynx is responsible for the production of sound. That's why the larynx is also known as the sound box. Okay, or it is known as the vocal fold. It is known as the vocal fold. Now larynx is made up of cartilage. How many cartilage is present in the larynx? So there are total 9 piece of cartilage is present in the larynx. Out of this 9 piece of cartilage, 3 are present in pair and 3 present in single. Ab jo cartilage pair mein honge wo hai 3. Kaun kaun se hai? The first is arytenoid cartilage. Second one is cuneiform cartilage. And third one is corniculate cartilage. They are present in pair. So total 2, 2, 2. That means it's a 6 cartilage. And the single cartilage are, it's a thyroid cartilage, epiglottis and
cricoid cartilage. The thyroid cartilage is cover the thyroid gland. It is the largest cartilage of the larynx. Epiglottis, it covers the glottis and prevent the entry of the food into the windpipe. The most important function is the arytenoid cartilage. This arytenoid cartilage is vibrating cartilage. And when it get vibrate, it will produce the sound. So, which cartilage produce the sound? Arytenoid cartilage is produce the sound. So, this is all about the pharynx and the larynx. अगर हम देखें कि जैसे माउथ और नेजल कैविटी फेरेंक्स में ओपन होते हैं तो उसमें तीन पार्ट होंगे, नासोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स, लैरिंगोफेरेंक्स. फिर उसका दो डिवीजन है, वेंट्रल टाइप जो डिवाइड होगा दैट इज ट्रेकिया में जाएगा, डोर्सल साइड वो इसोफेगस बनेगा. ट्रेकिया का ओपनिंग है उसको बोलते हैं ग्लॉटिस, इसोफेगस का ओपनिंग है उसको बोलते हैं गुलेट. ग्लॉटिस के ऊपर होगा एपिग्लॉटिस विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फूड इन टू विंड पाइप. फिर लैरिंग्स, साउंड बॉक्स भी बोलते हैं उसको, वोकल फोल्ड भी बोलते हैं बिकॉज दे प्रोड्यूस द साउंड. टोटल 9 पीस ऑफ कार्टिलेज है, तीन पैर में है, तीन इंडिविजुअल है. पैर में हो एरेटिनॉइड, क्यूनिफॉर्म एंड कॉर्निक्यूलेट. सिंगल है वो थायरॉइड, एपिग्लोटिस एंड क्रिकॉइड. थायरॉइड वो सबसे बड़ा कार्टिलेज है और एरेटिनॉइड कार्टिलेज है वो क्या करता है, साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, दैट विल हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ द वॉइस. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लैरिंग्स एंड द फेरेंक्स. ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द ट्रेकिया. थैंक यू. Thank you.